कैसे देखते हैं सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा मैंडेट और बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस के ऊपर जताया। तो अभी बड़ी जिम्मेवारी है कांग्रेस के ऊपर, तो हमें जो किए हुए वादे वो निभाने हैं और अच्छी सरकार लोगों को देनी है। जैसे बीजेपी हमेशा प्रचार करती है कि कांग्रेस से मुक्त भारत कर दिया जाएगा, तो यहाँ से कांग्रेस रिवाइव होना शुरू हो जाएगी हिमाचल में जो? बिल्कुल, ये एक मैसेज है पूरे देश में कि एक सेकुलर सोच ही देश को मजबूत रख सकती है। आज ऐसे नफरत की राजनीति पूरे देश में चलाई जा रही है, जिस तरीके से देश को बांटने का काम किया जा रहा है, तो ये जो है वो देश को एकजुट नहीं रख सकती। तो इसीलिए आज भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है। हमारे नेता राहुल गांधी जी आज जिस तरीके से वो लोगों के पास जा रहे हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो उसका मकसद ही ये है कि भारत को हमने एकजुटता से और जोड़ के रखना है। तो भाजपा जो है वो नफरत की राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है, ये इससे देश कमजोर होगा। आप मुख्यमंत्री परिवार से आते हैं और आप खुद विधायक और मंत्री रह चुके हैं, अभी सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए मुख्यमंत्री चुनना है, वो कैसे बात हो रही है, क्या मीटिंग हो रही है? नहीं, देखिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जो भी प्रबल दावेदार होगा, जो भी सही बैठता होगा, क्योंकि जिसने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा, जिसने पार्टी की मजबूती के लिए काम किया होगा, अनुशासन में रह के काम किया होगा, और जो विधायकों की जो एक कलेक्टिवली जो राय होगी वो मनसर करेगी, वो ही एक तय करेगी कि हिमाचल को आने वाले दिनों में कौन सा नेता हमारा लीड करने जा रहा है। लेकिन ये तय कौन करने वाला है, विधायक करने वाले हैं या फिर हाई कमांड की ओर से? देखिए, विधायकों की राय भी ली जाएगी, क्योंकि उनका प्रेरोगेटिव है विधायकों का। सीएलपी का जो नेता जब भी चुना जाता है तो वो उससे विधायकों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और उसके बाद हाई कमांड की भी मोहर लगती है उसमें। एक समय था जी जब नेक टू नेक चल रहा था 32-33 और 30-31, उस समय आपको कैसा लग रहा था कि अगर बीजेपी की कुछ ज़्यादा सीटें आ जाएंगी तो खरीदो फरोख्त होने की संभावना बनी हुई थी? हाँ, हमें था कि अगर हम क्योंकि अगर बिल्कुल ही ये नतीजा आसपास रहा तो कहीं इंडिपेंडेंट्स ज़्यादा ना जीत जाएं, जैसे पहले लग रहा था कि 5-6 इंडिपेंडेंट्स आगे जा रहे हैं, तो उसमें शक था कि भाजपा जो है वो इनको हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि वो मानी जाती है, इसलिए हमें ये बहुत सारा हमने मजबूती से वहाँ हमने लोग लगा रखे थे। लेकिन हमें जब लोगों ने स्पष्ट बहुमत दे दिया तो आज मैं समझता हूँ कि भाजपा का वो जो मिशन था वो फेल हो गया। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप इस जीत का श्रेय किसको देते हैं? हिमाचल की जनता को देता हूँ, कांग्रेस की आला कमान को। जिस तरीके से हमारे प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी ने इस प्रदेश में रैलियां की और उन्होंने जन जन को संबोधन किया, और हमारी पूरी जो कलेक्टिव लीडरशिप ज्वाइंटली हमने जो काम किया और जो हमने एक अच्छे लोगों के लिए जो वादे किए, मैं समझता हूँ कि वो हमारी जीत में सबसे बड़ा।